नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूँ अफीफा मलिक। किसी मंचले को अगर गलत हरकत करनी होती है तो वो वक्त नहीं देखता, माहौल नहीं देखता, बस बदसलूकी को अंजाम देना चाहता है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ स्वाति मालीवाल के साथ, देश की राजधानी की सड़कों पर, वो भी एक ऐसी जगह जहां दिन भर भागदौड़ लगी रहती है। स्वाति मालीवाल एम्स के गेट नंबर 2 पर अपनी टीम के साथ खड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा डीसीडब्ल्यू चीफ के साथ 19 जनवरी की रात 3:11 पर उस वक्त हुआ जब वो अपनी टीम के साथ देर रात दिल्ली शहर में विमेन सेफ्टी के हालचाल का जायजा लेने निकली थी कि शहर में देर रात लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। अंजलि कांड के बाद सिचुएशन लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई है, खतरनाक हो गई है। चाहे सुबह हो या रात हो, दिन का सवेरा हो या रात का अंधेरा हो, स्वाति मालीवाल अपनी टीम के साथ थी। दिल्ली एम्स के सामने स्वाति मालीवाल को एक कार सवार ने करीब 15 मीटर तक घसीटा। कार सवार ने स्वाति मालीवाल को गलत इशारे किए, उनको अपनी कार में बैठने के लिए कहा। डीसीडब्ल्यू चीफ ने इनकार किया और विरोध किया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल का हाथ कार की खिड़की में फंस गया और ड्राइवर ने बिना परवाह करते हुए ड्राइव करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सफेद गाड़ी स्वाति मालीवाल की तरफ आती है, ड्राइवर उनसे बात करने की कोशिश करता है, दोनों के बीच कुछ देर तक बात होती है, जिसके बाद एक मौका ऐसा आता है जब कार ड्राइवर स्वाति मालीवाल का हाथ फंसा होने के बावजूद भी ड्राइव करता रहता है। विमेन सेफ्टी इश्यूज को लेकर आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल ने बताया कि जब वो दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी तो नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वो कार लेकर आगे चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर यू टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा। इसके बाद वो उनके साथ छेड़खानी करने लगा, गंदे इशारे करने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। इस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंसा रह गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वो करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरी टीम के कुछ लोग दूर से मुझे देख रहे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे कार से घसीटते हुए देखा तो एक टीम मेंबर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर आरोपी ने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो मेरे साथ वैसी ही घटना होती जैसी अंजलि के साथ हुई थी। इस पूरे हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान ने जान बचाई, यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। और इस तरह दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठाए। साउथ दिल्ली के डीसीपी चंदन सिंह ने बताया कि हौसखास थाने में घटना की शिकायत की गई थी। मामले की जांच की गई तो आरोपी की पहचान 47 साल के हरीश चंद्र के रूप में हुई। उसे अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उसकी कार की भी जब्त कर ली गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उस रात क्या हुआ, किस तरह ड्राइवर बार बार स्वाति मालीवाल से बात करने की कोशिश कर रहा था। और अब इस वीडियो पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, जनता इस वीडियो को लेकर परेशान है और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं विमेन सेफ्टी को लेकर। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी होने लगी है। भाजपा का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को डिफेम कर रही हैं। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने स्वाति मालीवाल के इरादों पर सवाल उठाए और पूछा कि 48 घंटों तक वो चुप क्यों नहीं, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर चुप्पी क्यों बनाए रखी। भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये कॉन्ट्रोवर्सी बनाई गई है ताकि दिल्ली पुलिस को घेरा जा सके, उनके हौसले पर सवाल उठाए जा सके।